वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो हियर द टॉपिक इज रेमुनरेशन। सो लेट्स वी डिस्कस। फर्स्टली रेमुनरेशन क्या होता है? सिंपली रेमुनरेशन एक एनी टाइप कंपनसेशन होता है और पेमेंट्स होती है जो एम्प्लॉयज़ को की जाती है। जो एम्प्लॉयज़ है ऑर्गेनाइज्ड के अंडर काम कर रहे हैं उसको उनके काम के बदले में जो पेमेंट्स की जाती हैं उनको हम रेमुनरेशन कहते हैं, ठीक है। इट में इसमें अकेले जो है उसकी सैलरी और वेजेस तो इंक्लूड नहीं होता, इसके साथ साथ जो भी उसको बोनस वगैरह दिए जाते हैं, ठीक है, उसको वो भी इंक्लूड कर जो इंसेंटिव हम जिसको कह देते हैं उसको इंक्लूड कर हम रेमुनरेशन कहते हैं। क्लियर? ओके, नाउ द सिस्टम ऑफ वेज पेमेंट की किस तरह जो है वेज की पेमेंट की जाती है जो एम्प्लॉयज़ वर्कर काम कर रहे होते हैं। लेबर टू टाइप्स के सिंपली पेमेंट सिस्टम होता है हमारे पास, टाइम वेज सिस्टम एंड पीस वेज सिस्टम। सो नाउ इस वीडियो में हम टाइम वेज सिस्टम बारे डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है टाइम वेज सिस्टम। टाइम वेज सिस्टम क्या होता है? टाइम वेज सिस्टम इज ऑल्सो का इसको हम डे वेज सिस्टम भी कहते हैं। सिंपली टाइम वेज सिस्टम नाम से पता चल रहा है कि टाइम के अकॉर्डिंग उनको पेमेंट्स करनी। क्लियर? कि कितना टाइम जो है वर्कर ने काम किया है, लेबर ने कितना टाइम काम किया है, उसके अकॉर्डिंग उसको जो पेमेंट करनी उसको कहते हैं टाइम वेज सिस्टम। जैसे पर डे के अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करनी कि उसने एक दिन काम किया है उसके अकॉर्डिंग पेमेंट कर देनी, या वीक के अकॉर्डिंग या मंथ के अकॉर्डिंग, ठीक है। ना कि हमने उसका ये देखना है कि उसने कितने आउटपुट किया है, आउटपुट को नहीं देखना, हमने सिर्फ उसका टाइम देखना है कि कितना टाइम उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ आउटपुट, आउटपुट हमने नहीं देखनी कि कितना काम उसने किया है, बस हमने उसका टाइम नोट करना है कि कितना टाइम उसने किया है। तो हेयर प्रेजेंस ऑफ एम्प्लॉय, जहाँ पर एम्प्लॉय जो होता है उसकी प्रेजेंस जो है वो इम्पोर्टेंट होती है परफॉर्मेंस के अलावा। क्लियर? परफॉर्मेंस को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता कि उसने कितना अच्छा काम किया है, कितना कम काम किया, ये नहीं देखा जाता। सिर्फ उसका टाइम देखा जाता है कि कितने टाइम ड्यूरेशन उसने काम किया है। क्लियर? ओके, नाउ टाइम वेज सिस्टम जो हमने अभी डिस्कस किया उसके कौन कौन से बेनिफिट्स होते हैं, सो हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास सिंपल एंड ईजी। जब हमने टाइम के अकॉर्डिंग उसका देखते हैं, वेज रेट कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत ही इजी हो जाता है, सिंपल हो जाता है कैलकुलेट करना, ठीक है। सो बहुत ही सिंपल होता है कैलकुलेट करना कि वर्कर जो है काम कर रहे हैं उतने कितना काम किया, ठीक है। हमें जो है आउटपुट मीन्स उसने जो प्रोड्यूस किया उसकी काउंटिंग नहीं करनी पड़ती, सिंपली हमने टाइम ही नोट करना होता है। सेकेंड है इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क। तो ऐसे क्या होता है कि जहाँ पर उसमें कोई प्रेशर नहीं होता कि आपने इतने टाइम में इतनी यूनिट्स बनानी ही है, वहाँ पर एम्प्लॉय जो वर्कर्स हैं उन पर कोई प्रेशर नहीं होता। कि इसलिए क्या होता है कि वो क्वालिटी इम्प्रूव होती है, जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो अपना अच्छे से टाइम लेकर उसको अच्छे से बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं। क्लियर? नाउ द थर्ड वन इज इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल क्या है कि क्लरिकल वर्क जो होता है, इट मीन्स कि जो कैलकुलेशन करनी होती है कि कितना उसको वेज रेट प्रोवाइड करना है, वो बहुत ही आसान हो जाता है क्योंकि हम यहाँ पर सिंपली टाइम नोट करते हैं, हमने ये नहीं नोट करते कि उसने कितनी यूनिट प्रोड्यूस की है इतने टाइम में, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज इट इश्योर फिक्स्ड रेमुनरेशन टू वर्कर। तो टाइम वेज सिस्टम के अकॉर्डिंग कहते हैं कि ये इश्योर करता है कि उसको फिक्स पेमेंट जो है मिले, ठीक है। जो वर्कर काम कर रहे हैं उसको उनके टाइम के बेस पर फिक्स्ड जो है पेमेंट मिले, जो है फिक्स किए हुए वो मिले, ना कि उसके जो नंबर ऑफ यूनिट वो प्रोड्यूस कर रहा है उसके अकॉर्डिंग। क्लियर? द नेक्स्ट वन इज इनकरेज बिगनर्स। तो ये कहते हैं कि इनकरेज करता है जो बिगनर जो अभी काम करना स्टार्ट करते हैं, जो नए आए हैं, फ्रेशर आते हैं काम करने के लिए, वो अच्छे से सीख लेते हैं। उनको ये नहीं देखा जाता कि वो कितना प्रोड्यूस करें, सिर्फ टाइम नोट किया जाता है, उनको पेमेंट कर दी जाती है। बल्कि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, एक्सपीरियंस पर्सन जो पहले से काम करें, वो ऑब्वियसली बात है कि वो ज़्यादा जो है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ज़्यादा पीस बनाएंगे, लेकिन इसमें ये नहीं देखा जाता। इसमें सिंपली जो है सभी का टाइम नोट कर दिया जाता है, तो जो बिगनर होते हैं उनको उसको फ़ायदा होता है इसका, ठीक है। सो नाउ हम बात कर लेते हैं कुछ डीमेरिट्स। ऑब्वियसली बात है कोई भी हमारे पास चीज़ होती है उसके मेरिट्स और डीमेरिट्स तो होती हैं, अगर किसी के प्रोज होते हैं उसके कॉन्स भी होते हैं, ठीक है। तो उसके मेरिट्स भी है हमारे पास। फर्स्ट है नो डिस्ट्रिक्शन बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं यहाँ पर लिया जाता।
ऑब्वियसली बात है कि जो एफिशिएंट है वो बहुत अच्छे से काम करेगा, वो एक घंटे में या एक दिन में हम बात कर लेते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट हैं वो बना लेंगे, लेकिन जो इनएफिशिएंट है वो उसके जो आउटपुट है वो कम होगी। लेकिन यहाँ पर जो है वेज रेट दोनों को सेम दिया जाता है, इससे जो है दोनों को सेम दिया जाता है, जो एफिशिएंट वर्कर है वो मोटिवेट नहीं होते, ठीक है। नाउ द सेकेंड वन इज दिस सिस्टम इज पनिशमेंट टू एफिशिएंट एम्प्लॉय। जैसे मैंने पहले ही कहा कि इनएफिशिएंट जो एफिशिएंट जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको पनिशमेंट की तरह मिलता है, क्योंकि जो एफिशिएंट इनएफिशिएंट होते हैं उनको भी सेम रेट देना होता है, जो एफिशिएंट है उनको भी सेम रेट, तो एफिशिएंट जो एम्प्लॉय उनके लिए एक पनिशमेंट की तरह ही है, क्योंकि उनको जो प्रॉपर वेज रेट उसके आउटपुट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, जो अच्छे से काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, क्लियर। तो ये उनको इनकरेज नहीं करता किसी भी तरह का, उसको डीमोटिवेट करता है एफिशिएंट एम्प्लॉय को, जो टाइम वेस्ट सिस्टम है। नाउ द थर्ड वन इज नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन। सो नो इंक्रीज इन प्रोडक्शन में फिर वही बात आ गई कि टाइम स्पेंट जो है वही उसका काउंट किया जाता है कि कितने टाइम वो आए, कितने टाइम वो गए, मतलब टाइम ही नोट किया जाता है। उस पर कोई प्रेशर नहीं होता कि प्रोडक्शन करनी है अच्छे से जल्दी प्रोडक्ट बनाने है, तो उसके लिए क्या होता है, ऑब्वियसली बात है प्रोडक्शन जो है वो कम रह जाती है, क्योंकि टाइम ही देखा जाता है, उसका प्रोडक्शन आउटपुट नहीं देखी जाती वर्कर्स की। फोर्थ वन इज डिफिकल्टी टू कैलकुलेट लेबर कॉस्ट एज रेमोनरेशन इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम नॉट बेसिस ऑन द यूनिट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ टाइम स्पेंट पर ही, जितना उसने टाइम लगाया है उतने पर ही उसकी वेजेस जो है कैलकुलेट की जाती है, ना कि उसने जितना प्रोड्यूस किया। तो लेबर पर कॉस्ट पर यूनिट निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है इसमें, क्लियर, क्योंकि इसने हम जो है वो नहीं देखते कि कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, हमने सिर्फ टाइम देखना होता है। तो इसी के कारण हमारा जो है कॉस्ट पर यूनिट निकालने में, हमें लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने में हमें डिफिकल्टी होती है। सो लास्ट वन इज लो प्रोडक्टिविटी एंड हाई सुपरविजन कॉस्ट। सो एज द सिस्टम डज नॉट ऑफर एनी इंसेंटिव, तो यहाँ पर सिंपली बात है जो एफिशिएंट एम्प्लॉय है उनको कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाता, बिकॉज उनको सेम पेमेंट की जाती है जो एफिशिएंट है और इनएफिशिएंट को, ठीक है। इससे उसका क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, ठीक है। तो उसके जो सुपरवाइजर ने यूज टू टर्न इंक्रीज, तो ऑब्वियसली बात है अगर प्रोडक्टिविटी कम हो जाएगी तो सुपरविजन कॉस्ट जो है सुपरविजन कॉस्ट वो इंक्रीज हो जाती है, क्लियर। सो थैंक यू सो मच।